अक्टूबर 1996 महाराष्ट्र के नासिक पुलिस स्टेशन में प्रतिभा गावित ने अपने ही पति की पहली पत्नी अंजनाबाई और उसकी दो बेटियों के खिलाफ प्रतिभा की बड़ी बेटी क्रांति गावित को किडनैप करने की कंप्लेन दर्ज कराई। पुलिस इंस्पेक्टर मंडलेश्वर माधवराव काले ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और कुछ ही दिन की छानबीन के बाद आखिर अंजनाबाई और उसकी दो बेटियाँ रेणुका और सीमा को पकड़ लिया। तीनों को पकड़ने के बाद अपने इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को जो हैवानियत देखने को मिली उसके बारे में जानकर पुलिस के भी होश उड़ गए। पुलिस को अंजनाबाई के घर से कई सारे बच्चों के कपड़े और खिलौने मिले। दीवार पर रेणुका के बच्चों की बर्थडे के कुछ पिक्स थे जिसमें भी कई सारे अनजान बच्चे उन्हें देखने को मिले। पुलिस जैसे जैसे अपने इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ती गई और भी खौफनाक मंजर निकल के सामने आए। तीनों माँ बेटियों की हैवानियत के बारे में सुप्रीम कोर्ट के वकील और पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम ने कुछ ये बताया था। अगर मैं ये रेणुका और सीमा जिनको आज फांसी की तय की गई है, अगर उनकी मैं तुलना पुतना राक्षसिनी करूं तो पुतना राक्षसिनी का भी इंसल्ट हो जाएगा। जिस बेरहमी से ये आरोपी मारते थे कि हमारे देश में आज पहली बार मैंने ऐसे देखा कि महिला इतनी क्रूर हो सकती। इनको शायद महिला भी कहना तो महिलाओं का अपमान हो जाएगा। अंजनाबाई रेणुका और सीमा की माँ, उसको पहले से ही छोटी मोटी चोरी और जेब काटने की आदत थी और उसे अपनी इस गंदी आदत की वजह से बार बार पुलिस से उलझना पड़ता था। अंजनाबाई की चोरी की आदत और उसकी वजह से बार बार पुलिस की खिटपिट, अंजनाबाई के पति मोहन गावित इन सब से परेशान हो चुका था। बहुत समझाने के बाद भी जब वो अपनी इस आदत को छोड़ नहीं सकी तो मोहन गावित ने अंजनाबाई और उसकी दोनों बेटियों को उसके पास ही छोड़कर दूसरी शादी कर ली। अंजनाबाई को इस बात का गहरा सदमा लगा। उसने और उसकी दोनों बेटियां रेणुका और सीमा ने मोहन गावित और उसकी पत्नी प्रतिभा से बदला लेने का पक्का इरादा कर दिया और उसके लिए उन्होंने मोहन और प्रतिभा की बेटी को अगवा करने का प्लान बनाया। निजी दुश्मनी और बदले की आग में शुरू हुई ये कहानी 42 से ज़्यादा बच्चों की खौफनाक मौत के साथ ख़त्म हुई। अंजनाबाई ने अपनी दोनों बेटियों को अपने ही तरह चोरी और जेब काटना सिखा लिया था। तीनों माँ बेटियाँ किसी मंदिर, मेला या किसी भी पब्लिक प्लेस में जाती और जो कुछ चुराने का मौका मिलती उसे चुरा लेती थी। रेणुका की शादी हो चुकी थी और उसका 18 महीने का बच्चा भी था जब रेणुका पुणे के चतुर सिंघी मंदिर में चोरी करते हुए पकड़ी गई थी। लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। रेणुका की पिटाई होने ही वाली थी कि उसने अपने 18 महीने के बच्चे को आगे कर लिया और सिंपथी कार्ड खेलने लगी। वो बताने लगी कि इतने छोटे से बच्चे को साथ में लेकर कौन माँ चोरी कर सकती है। जमा हुई भीड़ कन्विंस हो गई और रेणुका को जाने दिया। घर जाकर रेणुका ने इस घटना के बारे में अंजनाबाई को बताया। अंजनाबाई के शातिर दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा कि जब छोटा बच्चा साथ में हो तो लोगों का शक कम हो जाता है और चोरी करना आसान। और फिर शुरू हुआ 42 से ज़्यादा बच्चों के अपहरण और मर्डर का घिनौना सिलसिला। अब इन तीनों माँ बेटियों का काम करने का तरीका फिक्स हो चुका था। वो किसी मंदिर या मेले में कम से कम उम्र वाले बच्चे को उठाते, फिर उसको साथ में रखकर चोरी करते या जेब काटते, बच्चे से भीख मंगवाते। अगर बच्चा ज़्यादा रोता या खाने की जिद करता तो उसे बिजली के खंभे से या दीवार पर पटक कर और कई बार बच्चे को उल्टा लटका लटका कर उसके सिर में मार मार कर उसे मार देते और फिर किसी दूसरे बच्चे को उठा लेते। एक बार तीनों माँ बेटियाँ छोटे से संतेश को अपने साथ में लेकर मंदिर में चोरी कर रहे थे तभी सीमा चोरी करते हुए पकड़ी गई। लोगों की भीड़ जमा हो गई और सीमा को पीटने ही वाली थी कि अंजनाबाई ने छोटे से संतोष को जोर से ज़मीन पर पटक दिया। संतोष के सिर से खून बहने लगा और वो जोर जोर से रोने लगा। भीड़ का सारा ध्यान सीमा से हटकर छोटे से रोते हुए संतोष की तरफ चला गया। मौके का फ़ायदा उठाकर सीमा वहाँ से भाग गई। संतोष को गहरी चोट लगी थी, वो रोना बंद ही नहीं कर रहा था। तीनों माँ बेटियों ने संतोष को लोहे के खंभे के साथ पटक पटक कर मार दिया और फिर बस स्टेशन पर छोड़ दिया। इनके लिए मासूम सा बच्चा कोई खिलौने से कम नहीं था। 18 महीने की भावना को मारने के बाद उसको एक पॉलीथीन जैसे बैग में ठूस कर तीनों माँ बेटियों ने सिनेमा में फिल्म तक देखी थी। अपने पैरों के बीच लाश को रख के गोल गप्पे खाए। फिल्म खत्म होने पर लाश से भरी बैग को लेडीज टॉयलेट में छोड़कर चले गए। 2 साल के नरेश को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो अपने माँ के पास जाने की जिद करने लगा था, जबकि 3 साल के पंकज की गलती उससे भी बड़ी थी। उसने राह चलते लोगों से अपने माँ बाप के बारे में पूछ लिया। पंकज को छत से उल्टा लटकाया गया और दीवार से सर फोड़कर मार दिया। किरण शिंदे की माने तो इन हैवान माँ बेटियों ने लाश के फटकटे हुए सर से फुटबॉल तक खेला है।
अक्टूबर 1996 में पुलिस ने मोहन और प्रतिभा गावित की कंप्लेन के बाद तीनों माँ बेटियों के साथ रेणुका के पति किरण सिंधु को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में तीनों माँ बेटियों ने पुलिस को घास तक नहीं डाली। उनके चेहरे पर किसी प्रकार का अफसोस या गम जैसा कुछ था ही नहीं। रेणुका का पति किरण शिंदे अपनी सजा कम करवाने के बदले सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गया। तीनों हैवान माँ बेटियों के सारे कच्चे चिट्ठे उसी ने पुलिस के सामने खोले। ट्रायल कोर्ट में पुलिस ने तीनों माँ बेटियों के खिलाफ 9 मर्डर्स की चार्जशीट फाइल की, लेकिन कोर्ट सुनवाई में पुलिस सिर्फ 6 मर्डर ही साबित कर पाई। कोर्ट की सुनवाई के दौरान ही दिसंबर 1998 में अंजना बाई की कुदरती मौत हो गई थी। ट्रायल कोर्ट ने 3 साल की सुनवाई के बाद 29 जून 2001 को दोनों बेटियों यानी रेणुका और सीमा को फांसी की सजा सुनाई। आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में फांसी की सजा पाने वाली ये पहली दो महिला थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी सजा को बरकरार रखते हुए सन 2004 में फांसी की सजा को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने भी अगस्त 2006 को इनकी सजा बरकरार रखते हुए कहा, केस को बारीकी से देखने के बाद हमें इन दोनों के पक्ष में कोई भी ऐसी दलील नहीं मिली जिससे इनकी सजा को कम कर दिया जाए, सिवाय एक के ये दोनों औरत हैं। सन 2014 में राष्ट्रपति ने भी इनकी दया याचिका खारिज करते हुए इनकी फांसी की सजा को बरकरार रखने का फैसला दिया था। दोनों बहनें अभी पुणे के यरवड़ा जेल में अपनी सजा का इंतजार करते हुए दिन काट रहे हैं। जेल ऑफिशियल्स की माने तो जेल में भी इन दोनों बहनों का रवैया कुछ बदला नहीं है। वो हमेशा यही कहती रहती हैं कि वो दोनों बेगुनाह हैं, और जब जब भी जेल के सुपरिंटेंडेंट जेल की मुलाकात करते हैं तो दोनों उनसे अपनी दया याचिका के स्टेटस के बारे में पूछती रहती हैं। अपने एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों बहनों को एक दूसरे से अलग करने का फैसला किया था, जिसके तहत रेणुका को नागपुर जेल में भेज दिया गया था। नागपुर जेल में रेणुका के बच्चों की देखभाल करने वाली एडवोकेट स्वाति सरोदे रेणुका के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताती हैं कि जुदा कर देने के बाद रेणुका को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। उसने बार बार अपनी बहन के साथ रहने का दबाव किया था, और यहाँ तक कि वो बार बार भूख हड़ताल पर बैठ जाती थी। वो अपने बैंक अकाउंट्स अपने बच्चों के हवाले करना भी चाहती थी, पर क्योंकि कोर्ट ने उनके बैंक अकाउंट्स सील करने का हुक्म दे रखा था, इसलिए वो भी मुमकिन नहीं था। रेणुका को फिर से यरवड़ा जेल में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन अलग सेल में। दोनों बहनों के साथ उसी जेल में एक और फांसी की सजा पाने वाली औरत हैं फहमीदा सैयद, जिसे सन 2003 में मुंबई के बॉम्ब ब्लास्ट के आरोप में बॉम्बे हाईकोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। 42 से ज़्यादा बच्चों को बेरहमी से मारने वाली इन माँ बेटियों में से अंजना बाई तो सन 1998 में ही देहांत कर गई थी, जबकि दोनों जालिम बहनें आज भी पुणे के यरवड़ा जेल में अपनी सजा के इंतज़ार में दिन काट रहे हैं। हमारे देश की कानून व्यवस्था ही कुछ ऐसी है कि इतने घिनौने अपराध साबित हो जाने के बाद भी सज़ा का कोई अता पता नहीं है, और पता नहीं ऐसी कौन सी चीज़ है जो इन हैवान बहनों को फांसी के फंदे पर जाने से रोक रही है। दोस्तों, जाते जाते आप लोगों से एक और सवाल, आपके हिसाब से कोर्ट को क्या करना चाहिए? इनकी सज़ा को उम्र कैद में बदल देना चाहिए या जल्दी से जल्दी फांसी पर चढ़ा देना चाहिए? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। जय।